सो हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। आई थिंक आप सभी लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों देखिए, आप सभी लोगों को पता है यहाँ पर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसको हम विद इन 15 सेकेंड में सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, जो लोग भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा। देखिए दोस्तों, प्रीवियस क्लास प्लीज आप सभी लोग देख कर आइए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी कैसी क्लासेस चल रही हैं टर्म वन एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों देखिए, यहां पर आप लोगों को मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा टिपिकल है। मुझे यह क्वेश्चन ऐसा लगता है कि बच्चों को, स्टूडेंट, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टिपिकल लगता होगा, दिखने में ही समझ में ही नहीं आता है क्वेश्चन होता कैसा है। देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों को क्या है, देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। आप लोगों को देखिए, एक पॉलीनोमियल गिवन है आप लोगों को यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। कह रहा है अगर अल्फा बीटा जीरोज है इस पॉलीनोमियल का। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज होती है कि अल्फा बीटा हम निकाल लें। तो आप लोगों ने तो बस इतना ही पढ़ा है कि यस, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू, सॉरी, यहां पर होता है अल्फा इंटू बीटा होता है आपका सी अपॉन ए। ये आप लोगों ने पढ़ा है। दोस्तों देखिए, यहां पर जीरोस क्या है, मतलब अब जीरोस इसके अल्फा बीटा है या कह दो या फिर एक्स है, मतलब इसके दो जीरोस निकलेंगे यहां पर से, दो एक्स की वैल्यू निकलेंगी। वो तो जो एक्स की वैल्यू होती है वही तो अल्फा एंड बीटा होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं यहां से डायरेक्ट निकाल दूं ना, आप लोगों को एक एग्जांपल बताऊं मैं इसको कैसे इजीली इसको कर सकते हैं, अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। आप मिडिल टर्म स्पीड लगाएंगे तो आप लोगों को पता है, देखिए 2 × 3 में ब्रेक टूटेगा, ब्रेक होगा, किसमें होगा, 2 और 3 में ब्रेक होगा। अब देखिए, आप लोगों को पता है जब ये ब्रेक हो जाता है तो आप लोगों ने सीख रखा कि इन दोनों को प्लस करने में ये एक्स का कोफिशियंट आना चाहिए, तो जो कि आ भी रहा है। तो मतलब इसका मतलब यहां से हमें एक चीज पता भी चल गया कि इसके जो फैक्टर्स हैं, इसके जो फैक्टर या फिर इसके जीरोज हैं 2 और 3, लेकिन इसके जीरोज देखिए 2 और 3 नहीं है अभी। क्यों? देखिए ये तो फैक्टर्स अभी पता है, तो फैक्टर्स कैसे पता लगता है, देखिए x प्लस 2 और x प्लस 3। जब आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट इसका निकालेंगे तो आप लोगों को इसका फैक्टर मिलेगा x प्लस 2 और x प्लस 3। अब जीरोज निकालने के लिए इनको हमें जीरो के बराबर करने पड़ेंगे, तो इसका मतलब एक जीरो आ गया -2 एंड दूसरा जीरो आ गया -3। तो दोस्तों देखिए, एक जीरो -2 एंड दूसरा जीरो -3, इसका मतलब यही तो अल्फा एंड बीटा है, एक अल्फा आ गया बीटा भी आ गया। अब इस तरीके से आप लोगों को अगर नहीं आ रहा समझ में, मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं आ रहा, तो इधर आइए, इस साइड आइए। इस साइड में एक चीज आपको और समझाता हूं, यहां पर अल्फा प्लस बीटा देखते हैं, ये माइनस बी कितना है आपका 5, ए तो 1 ही है, अल्फा इंटू बीटा और ये कितना आपका सी कितना है 5 और ए 1 ही है, सॉरी 6 है। तो दोस्तों देखिए, सेटिस्फाई करिए कि ऐसा नंबर देखिए, ऐसे दो नंबर देखिए जिनको मल्टीप्लाई करने में 6 आए, क्योंकि अल्फा और बीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर मैं देखिए, यहाँ पर मैं अगर 2 लिखता हूँ इसकी जगह पे और यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, हम लोगों को पता चल गया कि 2 × 3 = 6 होता है। एक तरीके से हमने एक स्टेप आगे कर लिया, एक स्टेप हमने बढ़ लिया हम लोग की, हमें पता लग गया कि 2 और 3 कहीं ना कहीं हो सकता है। लेकिन इस 2 और 3 को सेटिस्फाई करना है ऊपर वाले के लिए भी, क्या 2 + 3 मिलके 5 ना -5 बनाते? नहीं, -5 तो नहीं बनाते, 5 बनाते हैं। तो माइनस आ रहा तो कहां दिक्कत हो रहेगी? कहीं नहीं। आप ये ना करके आप ये कर लीजिए, अभी भी तो -2 × -3 कितना होगा, 6 ही होगा प्लस का जो कि है। और अगर आप इनको प्लस करते हैं, ऊपर वाली कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो देखिए अभी कितना जाएगा माइनस का 5। तो यहां से आपको सीधे पता लग गया कि बीटा और अल्फा क्या आ गया आपके -2 और -3, जहां पर अल्फा कितना आ गया -2 एंड बीटा कितना आ गया -3। तो दोस्तों देखिए, ये है वो क्वेश्चन जो आप लोगों को थोड़ा सा कठिन लगता है। अब एक ऐसा पॉलीनोमियल जनरेट करना है जिनके जीरोज ही क्या है, देखिए जिनके जीरोज ही इतने बड़े बड़े जीरोज दे रखे। दोस्तों देखिए, ये बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप जितनी जल्दी मैं इसको कर रहा हूं उतनी जल्दी आप लोग करेंगे, तो आई थिंक बहुत जल्दी कर लेंगे। तो दोस्तों कि ये खुद में एक पूरा जीरो है, ये खुद में एक पूरा जीरो है। हमने अल्फा बीटा निकाल दिया यहाँ पर, अल्फा -2 बीटा -3, देखिए अल्फा -2 एंड बीटा -3। इनको जब हम यहाँ पुट करेंगे, देखिए मैं करता हूँ डायरेक्ट, आपको लिख लेता हूँ यहाँ पर कितना आएगा। देखिए -2 × 3 -6, यहाँ पर -6 आएगा, ये प्लस है, ये -6 आएगा, -6 - 6 और -6 कितना कितना होगा, माइनस का 12 हो गया। यहाँ पर देखिए, ये आएगा आपका -4 और ये आ गया -30। तो दोस्तों देखिए, इतनी आसानी से हमने, अब ये दो जीरोस हैं, अब इसका एक पॉलीनोमियल क्रिएट करना है। इसका मतलब ये हमारा एक अल्फा बन चुका है नया वाला, ये नया वाला बीटा बन चुका है, ठीक। अब हमें देखिए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनानी है, तो कैसे बनेगी,
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। देखिए दोस्तों, ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो काफी आसानी से हो जाएगा। सम ऑफ जीरो, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे सम ऑफ जीरोस में माइनस ट्वेल्व प्लस ऑफ माइनस थर्टी, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा -25 आएगा। ये होता है हमारा सम ऑफ जीरोस। प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस में आएगा, आप लोगों को पता है -12 - -13 कितना होगा 156 जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो देखिए कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को हमने कर लिया, दौड़ा दिया है। तो फटाफट देखिए इस क्वेश्चन की तरह टिक लगाएंगे और ऐसे एक क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा। आई थिंक ये सभी आप लोगों को क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, सो देखिए इस तरीके से हमने कर लिया है। चलिए यहां पर -3 है, ऑलराइट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो काफी एग्जांपल नहीं एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हमारा इसका आंसर आ गया है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, मैंने आप सभी लोगों को बता रखा है अब तो, क्योंकि अब टाइम हो चुका है दोस्तों। देखिए ठीक है, क्योंकि मैंने सारी चीज आपको फॉर्मूले बता दी है, तो अब यहाँ पर हम फटाफट पढ़ेंगे। इस तरीके से एक बार और आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस, यहाँ पर एक्स होता है इसके बाहर से, ठीक है, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए दोस्तों देखिए, टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि बता रहे हैं आपको, अदरवाइज ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है, कितना मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं। एक काव है जिसको एक पोल से टाइट कर रखा है विद 20 मीटर लॉन्ग रोप, द पैरामीटर ऑफ फील्ड वेयर द काव कैन ग्रेज, जहां पर काव खाना खा सकती है जितने एरिया पर, वो एरिया आपको वो पैरामीटर निकालना है। मतलब सिंपल से कुछ नहीं है, मान लो यहाँ पर काव को बांध रखा है इस तरीके से, एक क्वेश्चन है आपका, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक हो गया। अब ये काव कैसे कैसे चल सकती, ऐसे और ऐसे, ठीक हो गया, इससे बाहर इसका मूव नहीं जाएगा, ठीक हो गया। आपको पता है अगर इसको बांध रखा है यहाँ पर, ये पोल है मान लो, ठीक है, इसकी वो कितनी है रेडियस 20 मीटर। अब ये रस्सी है तो क्या होगा, सेंटर में बांध रखी, किसी सेंटर में आपको सेंटर में कोई चीज है, ठीक है, और 20 मीटर लॉन्ग रोप है, अब वो सर्कल में घूम रही है, तो जो लेंथ है रोप की वो क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी, ये चीज आप लोगों को पता है। तो सर्कमफेरेंस इसका मतलब वो पूछ रहा है आपसे, तो पैरामीटर ऑफ द फील्ड, अब पैरामीटर पूछ रहा है तो सिंपल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल तो कितना होता है 2 × 22/7 2π r। ये देखिए, तो इन क्वेश्चन को दौड़ाना है आप लोगों को, 4 × 8 एंड 22 × 8 कितना होता है आप लोगों का 176 मीटर। चलिए दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से हमारा हो चुका है, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग करेंगे, ठीक है। ये हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन था, आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन अब और है आप लोगों के लिए यहाँ पर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से है आप लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है, जॉइनिंग द किस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए, एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर हमें ये पॉइंट हमें फाइंड करना है। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर पहले आपको जो गिवन पॉइंट्स हैं, कोई बात नहीं, कोई पॉइंट नहीं दे रखे, आप लोग खुद ले लीजिए, ये पी ले लीजिए, ये क्यू ले लीजिए, इसको आर ले लीजिए, आप लोगों को एक्स कॉमा वाई निकालना है, 1 और 3 दे रखा है। देखिए इतनी फास्ट स्पीड से करेंगे आप लोग, ठीक हो गया। पी कितना है आप लोगों का यहाँ पर 1.8 एंड ये कितना है 5.10। दोस्तों देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, कभी कभी ऐसा होता है ऑप्शंस में, ऑप्शंस आपके काफी डिफरेंट ऑप्शन रहते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट ऑप्शन होगा तो बहुत आसान रहता है। पता कैसे आसान रहता है, देखिए किस तरीके से, अगर यहाँ से आपको एक्स और वाई निकालना है तो मैं अपनी तरफ से आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग सबसे पहले एक y की वैल्यू फाइंड करना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, आप लोगों को पता है y = my2 m, ये m होता है और ये n होता है। तो देखिए m कितना है 1, ठीक है, m x1 y1 x2 y2, m/2 प्लस n y1 x1 y1 अपॉन एम प्लस एन, जो कि आप लोगों को पता है। देखिए दोस्तों इतना लेंथी क्वेश्चन है, 10 + 24 और यहाँ से आ गया 4 और ये आ गया आपका 34/4। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं सॉल्व करूंगा, 4 कितने जा, ये आ गया आपका 4 8 जा 32 और 2 4 20। तो दोस्तों कि हमारा वाई तो आ चुका है, इसका मतलब अगर कहीं देखिए दोस्तों, अब आप क्या करेंगे ना, मेरी बात ध्यान से सुनिए, एमसीक्यू को करने की थोड़ी सी अप्रोच होनी चाहिए, थोड़ी सी समझ आप लोगों को भी होनी चाहिए कि किस तरीके से करना है। कि आप लोग देखिए यार, कोई ऑप्शन, क्या पता कोई ऑप्शन ऐसा हो जिसमें अकेला बेचारा वाई 8.5 हो, तो एक हमें अभी मिल रहा है यहां पर। आप नहीं भी हो तो आप क्या कर सकते हैं बताइए। देखिए होगा होगा मेरे ख्याल से, कुछ कोई बात नहीं, 2 भी हो गए सेम तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग x भी निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो गया, x भी निकाल लीजिए और x आप लोग निकाल सकते हैं mx2 + nx1 / m + n, ठीक हो गया। ये सारी चीजें आप लोगों को बता रखी हैं, ठीक हो गया,
एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक हो गया। तो देखिए वाई 8.5 कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, तो ऑप्शन आप लोगों को ऐसा है कुछ, जब आप इसमें से एक्स निकालेंगे तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो देखिए आपके पास ऐसे चार ऑप्शन है, पहले ही आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन देखिए ऐसा ऑप्शन मिलेगा आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, डिफरेंट ऑप्शन है तो कुछ भी कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास तो डिफरेंट ऑप्शन है तो चेक कीजिए। देखिए डिफरेंट ऑप्शन में क्या कर सकते हैं आप लोग, या तो एक्स के लिए निकाल दीजिए, वाई के लिए निकाल दीजिए। तो मेरी तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि आप पहले वाई की तरफ जाइए, ठीक हो गया। तो यहां से वाई निकाले तो 2.8.5 देखिए पहले ही आ जाता अगर हम एक्स नहीं भी निकालते तो। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारा कंप्लीट होता है। दिस इज अवर सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, मिड पॉइंट या कुछ भी हो, ठीक हो गया। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर देखिए मिड पॉइंट नहीं, बीच में किसी लाइन के अगर सेंटर पर नहीं, किसी लाइन को एक पॉइंट अगर डिवाइड कर रहा है तो उस पॉइंट को निकालने के लिए होता है, ठीक है। बीच में भी निकाल सकते हो कोई देर बीच के लिए, तो फिर आप लोगों को पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं अगर कोई पॉइंट बीच में है तो। दोस्तों देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो, कितने याद देखिए मुझे नहीं लगता इसको लिखाना पड़ेगा आपको। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा सा आपको रिपीटेशन। दोस्तों एक चीज और यहाँ देखिए, आफ्टर हाउ मच प्लेस, हाउ मेनी प्लेसेस, फोर प्लेसेस, इट विल टर्मिनेट फोर प्लेस, मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम पावर देखिए पता लग जाएगा आप सभी लोगों को, ठीक हो गया। मैक्सिमम पावर देखते ही आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक हो गया। दोस्तों मैक्सिमम पावर कितनी है, 4, तो यस इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। दोस्तों एक चीज और ध्यान से देखेंगे, मैक्सिमम पावर इनमें और इनमें देखेंगे आप लोग, ठीक हो गया, समझ में आ गया सभी लोगों को। 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m है, इसमें मैक्सिमम पावर कौन सी है, 4। देखिए 3 स्क्वायर 9 हो जाता तो 9 × 3 = 27, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखिए इसमें आपको क्या चेक करेंगे, तो मैक्सिमम पावर है 5, इसमें दोनों में वही आपका क्या होगा उतने ही प्लेस बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहां पर हमारा 4 होता है, इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 क्वेश्चन तो इतनी हवा में हो गए कि हम बता ही नहीं सकते कितनी जल्दी हो गया, और आप लोगों ने भी कर दिया। तो दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों के पास इस तरीके से एक फिगर दे रखा है, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा यहां पर देखते हैं क्वेश्चन है, इस तरीके से एक डायग्राम दे रखा है, ये सब मिलेगा आपको। देखिए दोस्तों अभी एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को और देनी है कि हमें ओमआर शीट में थोड़ा सा बस बता देता हूँ। अब जो देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पर किस तरीके से हमें ओमआर शीट भी भरनी है, आप सभी लोगों को थोड़ी सी एक झलक दिखा देता हूँ। बाकी आई थिंक आप इतने होशियार हैं कि आप लोगों ने सब लोगों ने देख ही लिया होगा किस तरह से भरना है, ठीक है। एक बार मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों देखिए मैंने पहली बात तो सुनिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहा है कि कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा कितना होगा, अब देखिए दोस्तों ये फिगर हमसे कह रहा है कि ए बी डी थीटा डिग्री है। दोस्तों एक चीज़ और काफ़ी बेहतर चीज़ है आप लोगों को मैंने बता रखी, यहाँ पर ये 3 है, ये भी राइट एंगल बन रहा है, ये भी राइट एंगल बन रहा है। एक ट्रिपलेट मैंने आपको याद करा रखा कि ट्रिपलेट बहुत सारे 3, 4, 5, 5, 13, 7, 24, 25, 8, 59, 17, 9, इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारी बता रखी, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 20, 21 and 29, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को पता है, ठीक हो गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है आप लोगों का, ये 13 है, ये 12 है, तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है 5 होगी, ट्रिपलेट, ठीक है। ये कम से कम मैंने 3 से 4 क्लास में बता दिया होगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं आपको आई बटन पे ये एक वाली क्लास दे दूंगा जहाँ पर मैंने आपको ये वाला भी आपको दे बता रखा है, ठीक है। क्या बता रखा है, ये ट्रायंगल्स के ट्रिपलेट्स बता रखे हैं, ठीक हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल के आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में मिल जाएगा, ठीक हो गया। चलिए दोस्तों अब करते हैं 5, 12 and 13। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर फिर से एक ट्रिपलेट और बन चुका है, 3, 3, 4 and 5। अभी एक चीज़ और बताता हूँ आपको, फिर से बतानी पड़ेगी, तो कुछ नए बच्चे भी जुड़े होंगे इस क्लास में। तो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, प्लीज़ एक बार पहले क्लास पढ़ के आइए, ये क्लास मैंने आपको करवा रखी जहाँ पर मैंने ट्रिपलेट्स याद करा रखे और होते क्या हैं सब बता रखा है। इसमें लॉन्गेस्ट साइड होनी चाहिए, कौन सी लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस पर होनी चाहिए, ये आपको पता होगा। चलिए अब देखिए ये भी 4 हो गया, अब सीधे कॉस थीटा पूछ रहे, तो कॉस थीटा कितना होगा, देखिए थीटा के आगे परपेंडिकुलर, ठीक है, जिस भी एंगल के बारे में पूछ रहा है उसके आगे परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस। तो कॉस थीटा कितना होगा, 4/5, एंड कॉट थीटा कितना होगा, देखिए कॉट 10 का उल्टा कर दीजिए, 4/3, यहाँ से 15, 5, 3, 4, 12, + 3, 5, 20।
और ये आ गया आपका 32/15 इज द करेक्ट आंसर। यस, इतनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया है। तो देखिए ये क्वेश्चन को तो आप ऐसे ही कर लेंगे अपने एग्जाम में। चलिए अब 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा एक चीज़ और मान लीजिए, चलिए एक चीज़ बताता हूँ आपको। देखिए ऐसे करके आपके ऑप्शन आ रहे हैं ए बी, ओमार शीट बता रहा हूँ कैसी आ रही है डी। दोस्तों देखिए यहाँ पर एक बॉक्स होगा आप लोगों का, ये फाइनल डिसीजन करेगा आपका, ठीक है। ये बॉक्स होगा या बॉक्स या भी सर्कल कुछ भी हो, यहाँ पर स्टार करके लगा होगा, एक यहाँ पर हैश भी होगा, ठीक है। दोस्तों देखिए करना कुछ नहीं है, ठीक है। मान लीजिए चलो सर्कल ही, आई थिंक यहाँ पर आप लोग कंफर्म कर लेना, यहाँ पर सर्कल आई थिंक, चलिए कोई बात नहीं। दोस्तों ये कैसा, देखिए मान लीजिए मेरा आंसर, अगर मैंने क्वेश्चन किया और मेरा आंसर ए आ गया, ठीक हो गया, चलो अच्छी बात है, यहाँ पर मैंने ए कर दिया। ए को मैं इससे फिल कर दूंगा, सबसे पहली बात बॉल एंड ब्लू डॉट पेन, आप सब को पता है नो यूज ऑफ पेंसिल्स, ठीक हो गया। अगर यहाँ पर देखिए मेरा ए ऑप्शन है तो मेरे को यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा, अगर ये हमारा फाइनल डिसीजन है, फाइनल, ठीक है, फाइनली यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ आपने रिस्पॉन्स इस वाले में रिस्पॉन्स दे दिया एंड इसमें नहीं दे रखा है, तो आप लोगों का मार्क्स काउंट नहीं होगा। ये चीज आप लोग प्लीज ध्यान से देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान कहाँ देना है, देखिए सर फ्रेंड्स होगा क्या ना, सबसे अच्छा आपके लिए क्या तरीका है, तरीका यही अच्छा है इन सब चीज़ों से निपटने का, कि आप लोग यहाँ ना इसको छोड़ के सीधे यहाँ आंसर लिखना शुरू कर दें। बस ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी। अब ये क्यों दे रखा, कुछ रीज़न है क्यों। दोस्तों देखिए कभी कभी ऐसा होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसा करेंगे कि मान लीजिए पहले उसने सी ऑप्शन लगा दिया, ऑलराइट सी ऑप्शन लगा दिया उसने, तो सी लगा दिया अगर उसने ऑप्शन, तो उसको अगर वो रीचेक करने का टाइम भी मिलता है, उसको कहीं गलती से उसने सी लगा दिया, लेकिन उसने सी लगा दिया और उसको लगता है कि यार सी गलत ऑप्शन है, मैंने गलती से कर दिया, अब मैं कैसे मार्क्स सिक्योर करूँ, तो तब वो क्या कर सकता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर सी लगा दिया लेकिन आंसर ए था, ठीक हो गया, ऐसे करके। चलिए दोस्तों अगर मैंने सी लगा दिया और आंसर ए था, अब वो अपना आंसर बदलना चाहता है तो इस बॉक्स में लिख देगा, ठीक है, ए, तब उसका कौन सा आंसर माना जाएगा, ये वाला। तो यहीं से आपको मार्क्स मिलेंगे इनमें से, ठीक हो गया दोस्तों। ये मैंने आपको सभी लोगों को बता दिया है, आई थिंक आप लोगों ने तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बन चुकी होंगी, वीडियोस यूट्यूब पर सभी लोगों ने देख लिए होंगे। तो वैसे एक चीज़ और, ये वाला चीज़ क्या है, ऐसा कोई ये यहाँ पर भी आपको करना है मार्क, कब करना है, गोला करना है, जैसे आपको 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन अगर सेक्शन ए पे मिल रहे हैं आप लोगों को पता है, जिसमें आपको 16 अटेम्प्ट करने हैं, तो उस 16 अटेम्प्ट करने, तो उस कौन से 16 अटेम्प्ट करेंगे उसको तो आप यहाँ पर रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन जो आप छोड़ रहे होंगे ना 16 में से, तो 20 में से जो आप छोड़ रहे होंगे, जो आपको जो 4 नहीं करने हैं, तो कौन जो जो नहीं करने हैं वो यहाँ तक तो ब्लैंक रहेगा, और इस वाले में क्या हो जाएगा, ये हैश वाले में ऐसे कर लेना, क्योंकि आपने नहीं कर रखे, ठीक है, ऐसे बस यही चीज है, बस हो गया। बाकी आपको सारी नॉलेज है, सब कुछ पता है क्या हो रहा है एमसीक्यूज में, ओमार का जो सर्कुलर है वो कैसा आ रखा है, ओमार शीट का सब कुछ आप लोगों को पता है। सो फाइनल जो है ये बॉक्स आपका क्या करेगा, ये फाइनल ये बॉक्स ही आप लोगों को आंसर देगा, ये ध्यान सुनना, इसमें आपको आंसर लिखना ही लिखना है, यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है, ये चेंज करने के लिए, अगर यहाँ आपने गलत कर दिया, यहाँ सही करना चाहते हो तो यहाँ चेंज कर सकते हो। चलिए दोस्तों छोड़ो इस बातों को, ये तो आपको पता है आई थिंक, तो फाइनल डिसीजन आपका बॉक्स लेगा। चलिए तो फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आई थिंक एग्जाम में आपको दे सकता है, प्रोबेबिलिटी तो सबने पढ़ी है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर, कार्ड नंबर्स हैं 9 से लेके 50 तक। देखिए ऐसे कार्ड नंबर्स होंगे ना जो आपसे कह रहा है कि 9 to 50 आपके लिए मार्क कर रखे हैं, कहाँ से 9 से 250 तक कार्ड। अब देखिए दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है इसमें कि स्टूडेंट को ये नहीं पता रहता कि 9 से लेके 50 तक ये कार्ड्स कितने हैं काउंटिंग पर, मतलब 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कहीं ना कहीं एग्जाम की टेंशन में, डिप्रेशन में ऐसा होता है कि आप लोग काउंट तो कर रहे हैं, क्या पता काउंटिंग गलत हो गई, ठीक है, क्या पता आपसे काउंटिंग गलत हो गई। तो देखिए इस एग्जामिनर जो है आपका CBSE ने जो पेपर दिया आपको, तो काउंटिंग गलत होने पर भी आप लोगों का जो आंसर आएगा वो भी MCQ में दिया होगा, MCQ के ऑप्शंस में दिया होगा, ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। तो जो भी चीज़ करनी है बिल्कुल आपको एक बार कॉन्सेंट्रेट होकर करना है, कि ये नहीं इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से 9 से लेकर 50 तक जो भी नंबर है, मतलब कितने होंगे ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, देखा आप कहेंगे ये 50 होंगे, कोई कह देगा क्या पता 41 हो, कोई कह देगा क्या पता 40 हो, ठीक हो गया। तो इसको काउंट करने के लिए टोटल कार्ड्स कितने हैं, जब भी ऐसा कौन क्वेश्चन आए कुछ नहीं करना आपको, ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करके 1 प्लस कर देना है, ध्यान से देखना आप, ठीक
ठीक, क्या बोला मैंने, ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करके 1 प्लस कर देना है, तो यहाँ से आ गया 41 प्लस 1। तो दोस्तों ये टोटल कार्ड्स आपके कितने आ गए, 42। मतलब ये 9 को भी काउंट करके एंड 50 को भी काउंट करके, 9 से अगर 50 पर जाएं तो हमारे पास कितने कार्ड्स हैं, टोटल 42 जो भी हैं कार्ड नंबर्स हैं। अब इनमें से एक कार्ड सेलेक्ट कर रखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, बताइए कि देन द प्रोबेबिलिटी देन द कार्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ऐसे मल्टीपल ऑफ 4, 4 के मल्टीपल में हो कार्ड, तो टोटल 42 कार्ड्स हैं। ठीक हो गया, अब 4 का मल्टीपल तो 4 के टेबल पढ़ लिए। देखिए फ्रेंड्स, 9 से स्टार्ट है, 9 से लेकर 50 तक कार्ड है, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग 4 का मल्टीपल जो भी होगा 9 के बाद वाला से स्टार्ट करेंगे। अगर 9 आता है टेबल में तो 4 के टेबल में तो ठीक है, लेकिन नहीं आता तो देखिए 4 2 8 तो नहीं, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40, 4 11 44, 4 12 48 एंड 4 13 52, जो कि इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इससे पहले क्यों लिए, क्योंकि 9 से नीचे वाले नंबर हैं सब। ठीक है, 4 2 8, 9 से नीचे, सो 10 अपॉन ये फेवर में है अपॉन टोटल इतने कार्ड्स इतने, तो अगर आप इसको डिवाइड 2 5 10, देखिए 5 अपॉन 21, कितनी जल्दी आंसर आई है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप लोगों को शायद इसका आंसर 5/21 आएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपको दिख सकता है मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए थोड़ा सा क्योंकि कंफ्यूजन है। और एक चीज़ और बताऊंगा दोस्तों, प्री बोर्ड पर ज़्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि प्री बोर्ड ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको थोड़ा सा एग्जामिनर जो आपके स्कूल्स वाले स्कूल्स हैं वो आपको प्रिपरेशन आपकी चेक करते हैं कि किसने कितने किस लेवल तक किस हद तक आपने प्रिपरेशन कर रखी है। ठीक हो गया, तो प्री बोर्ड के कहीं ना कहीं पेपर्स कह सकते हैं कि काफी कठिन होते हैं इन कंपैरिजन टू द मेन एग्जाम जो आपके अब जो होने वाले हैं। ठीक हो गया फ्रेंड्स, सो प्री बोर्ड के पेपर अगर सॉल्व करके आप लोग सोच रहे इतने कठिन पेपर आ गया और टेंशन हो रही है आप लोगों की अब कैसे होगा, अब तो और ज्यादा थोड़ा और डिफिकल्ट पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब हवा है, ये चीजें आप लोगों को पता है आई थिंक। इतना सब कुछ देखिए सब पहली बार हो रहा है 90 मिनट्स के अंदर, इतना सब कुछ करना है, MCQs हैं, काफी कुछ है, तो टुक्का लगा के भी सही जरूरी नहीं है सब कुछ सही हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप मिनिमम मैक्सिमम मतलब मिनिमम एक मान सकते हैं कि 3 मिनट्स या फिर 2 मिनट्स में सॉल्व कर लें, तो ऐसे क्वेश्चंस ही आपको मिलेंगे। ये नहीं कि आपको ऐसे क्वेश्चन मिल गए कि 5 से 10 मिनट लग रहे हैं उसमें, 15 मिनट लग रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन कोई कुछ नहीं मिलेगा। ठीक हो गया, ये अभी कुछ स्कूल्स में के बच्चे से ये चीज़ हमने सुनी है, तो मैं अपना आप लोगों को एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना पर्सनल, कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक हो गया, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा, नहीं होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या है, ये हमारे टाइम पर भी ऐसा होता था जब हमारे होते थे, तो प्री में प्री से वैसे हमारे टाइम में तो प्री हुआ नहीं कभी, तो हमारे जो अगले जो हमारे जो जूनियर थे उनके उनके उसमें भी ऐसे हुआ था कि प्री जो है थोड़ा सा कठिन आया था, काफ़ी कठिन भी था, लेकिन जब उसका जो बोर्ड का एग्जाम था तो काफ़ी सिंपल था। ठीक हो गया, तो चलिए देखिए आप बस करते जाइए और यस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना, सारे फॉर्मूले याद कर लेना, सब कुछ हो जाएगा। क्लासेस आपको ले रखी है मैंने, आप लोग देख सकते हैं। तो इफ 2x + 3y, देखिए कुछ यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 2x + 3y = 5। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कि x प्लस वाई निकालिए, ये क्वेश्चन में कितनी बार रिपीट कर दिया देखिए मैंने। अब यहाँ से बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कि x प्लस वाई कैसे निकालें, कुछ लोग क्या कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से फटाफट x और y अलग से निकालेंगे, लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। मैं क्या करता हूँ देखिए फ्रेंड, मेरे पास बहुत कुछ है, तरीके बहुत कुछ हैं, बस आपके दिमाग चाहिए, सोच चाहिए, थोड़ी सोच बदलेंगे, थोड़ी सोच आगे तक रखेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। मतलब कि अगर आप इनको इनको प्लस करते हैं तो देखिए यहाँ पर 2x + 3x 5x, 3y + 2y 5y, ठीक है। और देखिए ये मैं लिख के लिख रहा हूँ आपको, मैं ओवरऑल एक दिन अगर मैं सोच रहा हूँ अभी कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं लिख रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, लेकिन किसी दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को यकीन दिलाना है कि अगर मैं ओवरऑल ही आप लोगों से क्वेश्चन करवाऊँ ना तो आई थिंक ये ओवरऑल ही आप लोग कर लेंगे। देखिए क्या आपने मन में आप 3 + 2 5x नहीं कर सकते, क्या आपने मन में आप 3 + 2 5y नहीं कर सकते। अब आपको पता है 5 5 सब जगह 5 5 और 10 + 5 कितना 15, तो 5 कॉमन लेके 5 × 5 5 3 15, इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 3 आ गई। अगर हम नहीं भी करते तो क्या ये नहीं हो सकता था, आप लोग बस इतना बताइए। चलिए तो यहाँ से देखिए x प्लस वाई की वैल्यू 3 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आप लोगों की स्क्रीन पर यहाँ पर, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक हो गया, तो ये x प्लस वाई कितना आ गया, यहाँ पर से 3 आ गया।
चलिए दोस्तों, एक काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, एक प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन और है, बन सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा है कि स्टूडेंट थोड़ा इस क्वेश्चन को नहीं देख पा रहा है अच्छे से, मतलब नहीं देखता है क्योंकि वो क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी में सोचता है कि कॉइन से आ सकता है या डाइस से आ सकता है या फिर कार्ड ही आ सकता है, क्या उनके अलावा प्रोबेबिलिटी नहीं होती? काफ़ी कुछ होता है प्रोबेबिलिटी में। तो देखिए, इस तरीके से हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी होती है जो हम कह सकते हैं आपका क्या, देखिए, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन क्वेश्चन। देखिए, करेक्ट आंसर को गैस करने, करेक्ट आंसर ठीक है को गैस करने के लिए एक प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमको 1/3, ठीक है, एंड द प्रोबेबिलिटी गैसिंग द रॉन्ग आंसर को, रॉन्ग आंसर को गैस करने के लिए प्रोबेबिलिटी दे रखी है एक्स के टर्म में, ठीक दोस्तों। देखिए कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यार ये कैसा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही अजीब, समझ में नहीं आ रहा मैं तो। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है एक्स की वैल्यू जो भी है निकालने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ऊपर देखिए ये करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन रॉन्ग आंसर की इस तरीके से दे रखी एंड करेक्ट आंसर की इस तरीके से दे रखी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसका मतलब दोस्तों, अगर आप इसको देखिए, इसको किसी के बराबर करेंगे ना तभी जाके यहां से एक्स की वैल्यू आएगी। अब किसके बराबर करेंगे मुझे बताइए, यहाँ पर करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी इवेंट नॉट हैपनिंग, ये आपको पता है। नॉट हैपनिंग की कैसे निकालते हैं, वन में से माइनस करते हैं हैपनिंग की, तो ये हैपनिंग वाली है, नॉट मतलब कि रॉन्ग, करेक्ट का उल्टा रॉन्ग, तो रॉन्ग आंसर के आने की क्या होगी इसमें, इसके लिए 1-1/3, तो यहाँ से 2/3 जाएगी, तो ये भी तो रॉन्ग आंसर की है और ये भी रॉन्ग आंसर की है, तो दोनों बराबर हो गए, तो 3x = 12x - 9=18। ये देखिए यहाँ चले गए, यहाँ चले गए 9x = 18 एंड x की वैल्यू देखिए यहाँ से 2 आ गई है। फटाफट आंसर टिक लगाइए, ठीक है, जिस तरीके से लगाना है, टिक नहीं गोला, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सो x की वैल्यू 2 आ गई, तो दोनों ही प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए तब जाके ही आंसर आएगा आप लोगों का, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आप सोचें। देखिए द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, पॉइंट कहाँ पर है, सबसे पहली बात तो वाई एक्सिस पे, तो इसका मतलब 0, y होगा। अगर कोई ऑप्शन आपको पहले ही ऐसा मिल जाए कि एक ही ऑप्शन है जहाँ पर सिर्फ x में 0 है बस, ठीक है, एक ही ऑप्शन है जहाँ पर सिर्फ x में 0 है, तब तो आप आराम से कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, और y में कुछ आपका कोई y में कोई कुछ यूनिट्स होगी, जैसे मान लो 3 यूनिट या 4 यूनिट या 5 यूनिट, ठीक हो गया। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन को करना है आपसे, कह रहा है कि यहाँ से डिस्टेंस इस -5, 7 की डिस्टेंस निकालनी है, सॉरी डिस्टेंस नहीं निकालनी, डिस्टेंस दे रही है 30, तो आपसे y पूछ रहा है। तो दोस्तों देखिए, आप क्या कीजिए, एक काम कर सकते हैं आप, डिस्टेंस ही 30 निकाल लीजिए ऑप्शंस को चेक करके। तो दोस्तों मैं अगर ऑप्शन यहां पर देखिए, 4 ऑप्शंस आपके पास है, यहां पर 0, -7 ठीक है ना, एंड दूसरा आपका 0, -5, तीसरा आपका 0, 5, फिर आपका 0, 7। एक बार 0, 7 देखिए, यहाँ पर -7 रख के देखते हैं, देखिए -5, -0 x2 - x1 का होल स्क्वायर, -5, -0 कितना होगा -5 का होल स्क्वायर 25 ही होगा, ठीक है। 7 माइनस ये तो 0 हो गया, सॉरी 7 माइनस ऑफ -7 ये 49, ये कितना हो गया आपका 0, -7 ठीक है। x2 - y2 - y1 ये तो वैसे नहीं हो सकता, काफी बड़ा आ रहा है, ठीक है, आपका 7+7 हो रहा है, दोनों को माइनस करेंगे, 7 में से माइनस करेंगे -7 को, तो 49 ठीक है, ये तो 14 हो रहा है, इसके बाद भी इसका स्क्वायर होगा बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक हो गया, आपको पता है। तो यहां से आपको देखिए ये कितना होता है आपका, ठीक है ना, आप लोगों को पता है ऐसा होगा, 14 का स्क्वायर 196। देखिए यहाँ से तो आप आई थिंक आप लोगों को पता चलेगा, यहाँ से हमारा 13 तो आ नहीं सकता, 13 कहाँ पर आएगा, जब अंडर रूट के अंदर 169 आएगा। तो ये वाला ऑप्शन जब आप सीधे लगाएंगे, देखिए -5 कितना, -5 - 25 ही होगा इसके लिए भी, ये वाले ऑप्शन के लिए भी कितना होगा, 5 का स्क्वायर कर दिया, सीधे कर दिया मैंने, आप लोगों को पता है, तो आई थिंक ये करवा दिया आप सभी लोगों को। देखिए अब 7 यहाँ पर -5, तो 7 में से -5 करना, 7+5 = 12 एंड 12 का स्क्वायर 144, तो देखिए यहीं पर आ रहा है 169, जिससे कि 13 आंसर आ रहा है। इस तरीके से आप ऑप्शन को चेक कर सकते हैं और काफी इजी है। चलिए तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक चीज और कर लेते हैं, तो हवाई जहाज उड़ रहा है यहाँ पर, आई थिंक आपको आवाज आ रही होगी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक चीज करते हैं, 10th नंबर का क्वेश्चन भी कर लेते हैं जल्दी से। और वैसे आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं उन क्वेश्चन में। चलिए
दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, देखिए यहाँ पर एक नया टाइप का क्वेश्चन है, मैं इसको बता देता हूँ। एग्जाम में थोड़ा अगर हार्ड क्वेश्चन देना चाहे तो एग्जामिनर शायद ही इस तरीके से दे सकता है आप लोगों को, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। दोस्तों इसकी इवेल्यूएट क्या है, इसको इवेल्यूएट करिए। अब देखिए इवेल्यूएशन करना है, सबसे पहली बात ध्यान से सुनेंगे आप लोग, इसमें क्या करिए ना आप, इस साइन थीटा कॉमन लीजिए, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये आप लोगों को पता है। एंड यहाँ पर से आप कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए और यहाँ का टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ ना आप लोगों को, आप लोगों ने शायद ही कहीं पढ़ी होगी, तो देखिए दोस्तों वो क्या चीज़ है, प्लीज़ ध्यान से देखेंगे। ये जो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये इसी के बराबर होता है और हमेशा होता है। और कैसे होता है यार, अब चलो बता दें आपको, देखो आज मैंने बता दिया है, और अगर इसके बराबर होता है तो आप लोगों को पता है इसके इससे कट जाएगा, तो ये टेन थीटा हमारा आंसर आ जाएगा इसका। चलो मैं आप लोगों की इच्छा के लिए इसको मैं भी आप लोग इसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। आप लोगों की देखे, आप लोग चाहते हैं अगर इसको बताओ हमें कि ये कैसे इक्वल हो सकते हैं। देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, इस वन को आप क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और माइनस टू साइंस का थीटा यहाँ ऑलरेडी है, तो क्या साइंस का थीटा में से माइनस का टू साइंस का थीटा माइनस करना है, तो कितना आएगा देखिए, ये कॉस का थीटा ऐसा आ गया, तो ये आ गया, ठीक है। अब मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसको भी सेम ऐसी कीजिए, इसकी जगह पे क्या रखिए, इसकी जगह पे साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा रखेंगे, आप लोग को पता है वन के बराबर होता है, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो वो भी यही आएगा, तो इसलिए ये और ये बराबर होते हैं, और इसका आंसर कितना आ गया, टेन थीटा। चलिए दोस्तों इस क्लास को एंड करते हैं, आप सभी लोग उसको एक बार देख लीजिए अच्छे से। ओके नाउ फ्रेंड्स, देखिए प्लीज इस क्लास को आप सभी लोग शेयर कीजिए, एग्जाम्स काफी नजदीक हैं आपके, लास्ट 15 डेज आप लोगों के लिए बचे हैं। प्रीवियस क्लास सभी लोग देख लीजिएगा, वहां पर भी मैंने आपको एमसीक्यू जो फास्ट तरीके से जल्दी हो सकते हैं, ठीक है, विद एक्यूरेसी के साथ वो करवा रखें। चलिए फ्रेंड्स, तो इस क्लास को अब एंड करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।